हे गाइस, दिस इज गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं फिक्सिंग गियर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डबल हॉर्न या फिर पॉप हॉर्न जिसको बोलते हैं, रिले के साथ कनेक्शन के लिए। 4 पिन का रिले है और पॉप हॉर्न डबल हॉर्न का कनेक्शन हम हीरो होंडा स्प्लेंडर पर करने वाले हैं। सबसे पहला वायर जो हम लेने वाले हैं वो रेड कलर का है और लगभग आप इसको 1 मीटर के आसपास ले लें, जो कि आपका यहाँ से बैटरी के प्लस से कनेक्ट होता हुआ अपने हेड की तरफ जाए, या फिर यूँ कह लीजिए अपने हेडलाइट की तरफ पहुँच जाए। उतना लंबा आपको वायर यूज़ कर लेना है। बहुत ही अच्छे से और थोड़ा सावधानी के साथ कि ये वायर आपके इंजन के हेड के साथ टच ना हो लेकर जाएं रेड कलर का। और ये जो दो ग्रीन कलर के वायर आप देख रहे हैं, ये वायर हैं हमारे हॉर्न के ऑलरेडी एग्जिस्टेड वायर जो होते हैं ना हॉर्न के गाड़ी में, वो वायर। उनको थोड़ा सा, इसमें टर्मिनल वगैरह नहीं है, हॉर्न के पिन नहीं है इसमें, तो हॉर्न की हम पिन लगा लेंगे। ये है पॉप हॉर्न के वायर जिसमें 2 टर्मिनल एक हॉर्न के और 2 टर्मिनल दूसरे हॉर्न की तरफ के होते हैं, और दोनों को कंबाइन करते हुए 2 वायर निकलते हैं, एक रेड और ब्लैक कलर में। पहले हॉर्न में हमने रेड और ब्लैक कलर कनेक्ट कर दिया वायर। और दूसरी तरफ के दूसरे वाले हॉर्न में भी हम रेड और ब्लैक कलर के वायर को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छे से, जो कि गाड़ी के अंदर से हॉर्न के वायर निकल रहे हैं उनमें हमने टर्मिनल लगा लिए हैं। पिने कम पड़ जाए तो 2 पिने और ले लीजिए, लेकिन लगाइए अच्छे से। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये पॉप हॉर्न का ही रिले के साथ कनेक्शन का डायग्राम है। बस ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप कनेक्शन जो है आसानी से कर सकते हैं। ये जो बैटरी के प्लस से रेड कलर का जो वायर जा रहा है वो बॉश के अपने रिले में, जो कि 30 जहां लिखा हुआ है ना वहां कनेक्ट हो रहा है। तो हमने जो बड़ा वायर लिया था रेड कलर का प्लस का, वो यहां से यहां तक कनेक्ट होगा। और ये जो येलो कलर के वायर आप देख रहे हैं वो गाड़ी के हॉर्न के वायर हैं, और जो ग्रीन और रेड कलर का जो वायर देख रहे हैं हॉर्न की तरफ से आता हुआ, ये जो है ग्रीन वाला वायर जो है बैटरी के नेगेटिव में जाएगा, या फिर आप बॉडी में भी दे सकते हैं गाड़ी की अर्थिंग जिसको कहते हैं, और प्लस वाला वायर जो है बॉश के जो रिले है उसके 87 वाले पोर्ट में जाएगा, और ये येलो वाले वायर है 85 और 86 वाले पोर्ट में जाएंगे, जो कि अभी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये हमारी रिले है, इसमें हम ग्रीन कलर की जो वायर है वो आमने सामने, जो कि गाड़ी से आए हुए हॉर्न के वायर हैं, वो इसमें कनेक्ट कर रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे हमने आपको अभी अभी दिखाया था। कब तक होगा? उसके बाद ये हॉर्न का ब्लैक कलर का वायर है जिसको हम अर्थ कर रहे हैं गाड़ी के किसी भी नट में। अगर आप देखें तो बॉडी के किसी भी नट में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं हॉर्न के ब्लैक वायर को। और ये जो रेड कलर का वायर आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा छील के अच्छे से इसमें या तो पिन लगा लीजिए, ज़्यादा बेहतर वो ऑप्शन है। अभी हम आपको सिर्फ ऊपर का कनेक्शन करके आपको दिखाने के लिए डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। ये बैटरी से आता हुआ वायर है जो कि डायग्राम के अकॉर्डिंग 30 के पोर्ट में कनेक्ट होगा। गाड़ी की बैटरी जो है लो है, इसलिए हमें इसको स्टार्ट करके हॉर्न बजा के देखना पड़ रहा है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही लो आ रही है। और ये हमारे बाबूजी की एंट्री हुई, बाबूलाल की। ये पेट्रोल जाए लेकिन हॉर्न बजना चाहिए। इसी तरह से वीडियो को फॉलो करते हुए आप
कनेक्शन को करिए और सारे टर्मिनल वगैरह कनेक्ट हो जाने के बाद अच्छे से उस पर टेप लगाइए और सारे कनेक्शन को हेडलाइट असेंबली के अंदर छुपा दीजिए और टेप वगैरह करिए ताकि किसी और वायर के साथ ये कनेक्ट ना हो जाए और बैटरी वगैरह को नुकसान ना पहुंचे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे फिक्सिंग गियर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।